A13 में और भी कई सारे फ़ोनों में One UI 5 का अपडेट और Android 13 का भी अपडेट आ चुका है इन फ़ोनों में। तो आप जाइए इन अपडेट्स को डाउनलोड कीजिए और इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स आ गए हैं। तो देख सकते हो, पहली बात तो ऐप्स के आइकन हैं वो थोड़े थोड़े डार्क कर दिए हैं, डार्क हो गए हैं ऐप्स के आइकन, और नोटिफिकेशन पैनल में भी कई सारी चीज़ ऐड कर दी हैं। तो देख सकते हो, हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट, साउंड नोटिफिकेशन, कलर इन्वर्जन, प्रोटेक्ट बैटरी, लाइव ट्रांसक्राइब कर दिया है, और भी कई सारे मोड ऐड कर दिए हैं इस फोन में, मतलब One UI 5 में। तो जल्दी से जाओ डाउनलोड करो One UI 5 को। मैंने आपको पहले भी एक अभी थोड़ी देर पहले बताया था इस चीज़ में अपडेट हुआ है One UI 5 में, तो वो चीज़ चेंज हो चुकी है पूरी तरह से। तो कई सारे इमोजी भी ऐड कर दिए हैं फ़ोन में, और होम स्क्रीन पर भी कई सारी चीज़ ऐड कर दी हैं, तो और लॉक स्क्रीन पर भी कई सारी चीज़ ऐड कर दी हैं, और बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। तो आपको सारे फीचर्स जानने हैं तो बता देना, मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप सारे फीचर्स बता दूंगा और आपको दिखा दूंगा अभी। तो पहले मेरा यही अपडेट देने आया था कि One UI 5 का अपडेट आ गया है, तो One UI 5 का अपडेट कर लो और जल्दी से जाओ डाउनलोड कर लेना One UI 5 का। कुछ 1400-1500 MB का अपडेट आया है, पर ये अभी थोड़ा बीटा टेस्टिंग वाला अपडेट है, मतलब इसमें फुल तरीके से थोड़ा बहुत लैग वगैरह हो सकता है किसी फीचर्स में, पर कुछ दिन बाद ये बिल्कुल ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो जल्दी से जाओ इस अपडेट को डाउनलोड करो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।